चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर से अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। और अगर नहीं है तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स कर रहे थे, तो पिछले लेक्चर में जितना एनसीईआरटी में दिए हुआ था उतना हम लोग कवर कर लिए थे, और बताए थे तुम लोगों की वो चीज जो उसपे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आजकल नहीं आ रहा है, तो आज उसपे जो क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आता है उस तरीके का डिस्कशन हम लोग का होगा। मतलब जिसपे क्वेश्चन आता है वो जस्ट हम लोग पिछले क्लास में डेफिनेशन किए थे, बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, जस्ट डेफिनेशन किए थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है किन किन चीज पे डिपेंड करता है, कौन कौन सा फैक्टर है जिसपे डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ, ताकि तुम ये डिसाइड कर पाओ कि दो गिवन बॉन्ड्स में कौन लंबा है कौन छोटा है, ये तुम डिसाइड कर पाओ। वही ऑर्डर पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहला अपना है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला इसमें जिसपे डिपेंड करता है वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। देखो ये क्या है, इसको समझो। इसे मान लो हम तुम्हें दें हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन ब्रोमीन के बीच सिंगल बॉन्ड, और हाइड्रोजन आयोडीन के बीच सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो गौर से, एक एटम हाइड्रोजन फिक्स है, एक एटम हाइड्रोजन फिक्स है, और बाकी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में अगर थोड़ा सा जानते हो तुम लोग, एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, और एक ही ग्रुप के एलिमेंट में जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, घटता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, और आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बोलता क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो गौर से देखना, दो एटम है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या फिक्स है, और दूसरे एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर यहां से यहां जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा। ये क्या बोलता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, यानी बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा इन चारों में सबसे लंबा बॉन्ड होगा हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन आयोडीन के बीच में सिंगल ही बॉन्ड है बट वो बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होगा। लिख लो क्विकली, और इसका कंक्लूजन अगर लिखे तो ये लिखेंगे हम, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आईएन, लिखेंगे दोनों एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। लिखो इसको पॉइंट को, तो यहां तुम डिसाइड कर पाओगे कि हाइड्रोजन आयोडीन का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। ये लिख लेना फाइनल, ये बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा आयन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, तो हाइड्रोजन आयोडीन के बीच जो बॉन्ड होगा वो लेंथ ज्यादा होगा। कितना होगा उसका लेंथ, ये टेबल वगैरह में दिया रहा, तुमसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, सिंपल तुमसे ये पूछेगा कि इन चारों बॉन्ड में सबसे बड़ा बॉन्ड क्या है, या इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ सबसे छोटा से सबसे बड़ा में, ऐसा करके ऑर्डर में सजाने को आएगा। ऑप्शन में दिया रहा है, तुम देख लो कहां पे कौन सा ऑर्डर सही है, टिक लगाकर बढ़ जाओ। इस पे क्वेश्चन आता है कंपटीशन, तो पहला फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारा हो गया, ठीक है, हां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। दूसरा फैक्टर है, देखो अलग ही देख लो गौर से, इसी चीज को एक्सप्लेन करने का सिंपल तरीका ये भी हो सकता है। देखो गौर से कैसे, हाइड्रोजन तो सब जगह फिक्स है, सब जगह फिक्स है, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में जानते हो फ्लोरीन छोटा होता है, क्लोरीन उससे बड़ा, ब्रोमीन उससे बड़ा, और आयोडीन सबसे बड़ा,
एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे रेडियस बढ़ता इन जनरल, तो ये इससे भी कितना लोग बोलता है कि शायद जैसे जैसे बढ़ रहा है तो एक दूसरे से दूर होगा, एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पर रहेगा न्यूक्लियस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो कुछ लोग इसको एटॉमिक साइज के टर्म्स में भी एक्सप्लेन करते हैं, दोनों एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया जा सकता है, ठीक है। या सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखो तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। चलो क्विकली आगे बढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बोल लो, इस पे भी डिपेंड करता है। तो ऑब्वियस ही बात है सब लोगों को दिख रहा होगा, एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो रेडियस क्या होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्योंकि दो स्फीयर लिए तो पिछले क्लास बॉन्ड लेंथ को डिफाइन कैसे किए, दो स्फीयर अगर बढ़ा लोगे तो बेसिकली न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ही तो होता था बॉन्ड लेंथ, अगर बड़ा स्फीयर रहेगा तो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। तो सिंपल बोलना चाहे यहाँ पे मान लो तो हम ये बोलेंगे बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज ये ऑब्वियस है। देखो दो स्फीयर मान लो छोटा सा ड्रॉ करोगे और दो बड़ा सा ड्रॉ करो तो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस समझ रहे हो ना, यहाँ पे होने का चांस ज्यादा है। इसका एग्जांपल देखो, तुमसे बोला जाए कंपेयर करने के लिए, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और इसी के ग्रुप में सिलिकॉन भी आता है, सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच सिंगल बॉन्ड है, चूंकि सिलिकॉन का साइज ज्यादा है, भले ही दोनों बॉन्ड सिंगल ही है पर चूंकि सिलिकॉन का साइज ज्यादा है, कार्बन सिलिकॉन एक ग्रुप का है, साइज ज्यादा है तो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, ये बॉन्ड ज्यादा लंबा होगा। फिर इसके बाद क्या आता है जर्मेनियम, ये जर्मेनियम जर्मेनियम के बीच जो सिंगल बॉन्ड होगा वो इसे बड़ा होगा। इसके बाद सर टीन आता है वो भी ले सकते हो, चूंकि कार्बन से एटॉमिक साइज बढ़ते जा रहा है, कार्बन का साइज सबसे छोटा है तो साइज छोटा है तो उसका बॉन्ड लेंथ भी छोटा होगा। तो ये जो हम लोग ऑर्डर लिख रहे हैं किसका ऑर्डर लिख रहे हैं ये क्लियर रखना दिमाग में, जिनको नहीं क्लियर हो बॉन्ड लेंथ का ये ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ का ये ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ। तो दूसरा फैक्टर होगा क्विकली नोट करो, कर लिए तो बोलो आगे मूव करेंगे। ये दो हो गया तुम्हारा, अब बाकी जो दो है वो रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों तो रिलेटिवली इजी है ऐसे ही पता चला, और नहीं किसी को क्लियर तो पूछ लो ऐसे बहुत इजी है। हो सकता है किसी को ये सब ध्यान में नहीं हो कौन एलिमेंट कहाँ पे है कि साइज बढ़ता है घटता है तो उसको प्रॉब्लम हो रहा हो, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का यूज कर रहे हैं, बट वो पीरियोडिक टेबल इतना टेंथ में भी पढ़ना है, साइज बढ़ता है घटता है ग्रुप में वो सब टेंथ में ही पढ़ना है। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक ग्रुप का एलिमेंट है, जिसको नहीं पता हो जाके देखना 17th ग्रुप में आता है, ये कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन ये सब एक ग्रुप का है, 14th ग्रुप में आता है, ये सब का सब जाके देखना टेबल पीरियोडिक टेबल में नहीं पता हो। चलो आगे बढ़ते हो, थर्ड फैक्टर है वो देखो क्या बॉन्ड एंगल पे भी डिपेंड करता है, देखो ये कहाँ यूज करें ध्यान रखना। तुमको ये बात बता दे जो भी बात यहाँ पे बोला जा रहा है तुमको उसका कॉन्टेक्स्ट भी पता होना चाहिए, केमिस्ट्री में ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं भी लगा दिए कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा, यूनिवर्सल लॉ जैसा ट्रीट मत करो, तुमको पता है प्लस ये भी पता होना चाहिए किस कॉन्टेक्स्ट में इसको अप्लाई करते हैं तो सही होता है, उसी के लिए एग्जाम्पल हम लोग करते हैं केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल का देखो कहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जैसे हम लोग ज्योमेट्री पढ़े थे तुम लोग को ध्यान होगा क्या बोलते हैं उसको, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, एक एग्जांपल बोलो उसका ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल तुम्हें जिसमें ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल पीसीएल फाइव, बिल्कुल सर देखो ऐसे पीसीएल फाइव पर बात करें, ट्रायंगल बनता था और इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर जो होता था सीएल तुम्हारे यहाँ पे सील तुम्हारा यहाँ पे और एक सील तुम्हारा यहाँ पे और दो एक सील ऊपर और बाहर,
उस प्लेन के परपेंडिकुलर। देखो बता दे तुम लोगों को कि जो ये वाला ट्रायंगल वाला पोजीशन है, जो क्या बोलते थे, इक्वेटोरियल पोजीशन, जो ट्रायंगल बना रहा। तो गौर से देखो, जो ट्रायंगल वाला प्लेन है उसमें तीन बॉन्ड है और तीनों ट्रायंगल के अलोंग है, उनके बीच एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। और जो एक्सियल वाला है, ये वाला, यह बॉन्ड एंगल बनाएगा 90 का, 90 डिग्री। ये क्या बोलता है, जिसके लिए बॉन्ड एंगल कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। यानी भले ही पीसीएल बॉन्ड तुम्हारे पास, ये भी पीसीएल बॉन्ड ही है, ये भी पीसीएल बॉन्ड ही है, ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पीसीएल का ही बॉन्ड है, बट ये जो पीसीएल एक्सियल वाला है वो लेंथ में ज्यादा होगा, चूंकि उसका एंगल 90 है, कम एंगल है, कम एंगल है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो ज्यादा दूर हो जाएगा, ज्यादा दूर जाएगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा। एक्सियल वाला जो बॉन्ड होता है वह लंबा होता है बॉन्ड लेंथ उसका इक्वेटोरियल वाले से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पीसीएल जो एक्सियल वाला बॉन्ड है, पीसीएल एक्सियल जो है, एक्सियल जो परपेंडिकुलर है, उसका लेंथ ज्यादा होगा इक्वेटोरियल वाले से। क्योंकि इसके केस में एंगल बन रहा है 90, चूंकि परपेंडिकुलर है तो बॉन्ड एंगल कम है, बॉन्ड एंगल कम है मतलब करीब होगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो दूर भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा तो आपस का जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ा लेगा वो। ये लॉजिक हो गया, ये लॉजिक हो गया। यहाँ पे एंगल है 120, तो लिख लो, यहाँ पे लिखना ये बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। और कहाँ पे यूज करना है वो कंटेस्ट में तुमको पता होना चाहिए, कहीं पे भी लगा दोगे गड़बड़ हो जाएगा, केमिस्ट्री है। बॉन्ड एंगल बढ़ेगा उसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। इसका डेटा भी तुमको मिल सकता है, बुक वगैरह में लिखोगे तो डेटा भी तुमको मिल जाएगा, इसका कितना पिकोमीटर, ये कितना पिकोमीटर, देखोगे एक्सियल वाला बॉन्ड का जो वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो तुमको वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में पूछता ऑर्डर, ऑर्डर पूछेगा। अब जैसे देख लो पीसीएल फाइव पे क्वेश्चन बनाना है, मान लो किसी तो सिंपल से बनाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पीसीएल फाइव। पहला ऑप्शन में ज्योमेट्री पे ऑप्शन रहेगा, दूसरा ऑप्शन पे शेप पे रहेगा, तीसरा ऑप्शन में द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटमी, जैसा कुछ कुछ लोन पेयर कितना है, चौथा ऑप्शन में देगा पीसीएल एक्सियल इज ग्रेटर देन पीसीएल इक्वेटोरियल, लैंग्वेज में लिख देगा कि द बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल पीसीएल इज ग्रेटर देन, यही सब लिख देगा चार ऑप्शन, तुम पढ़ो समझो ठीक लगा के आओ। हाइब्रिडाइजेशन पे दे देगा, तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में नया नया, किसी में हाइब्रिडाइजेशन, किसी में शेप, किसी में बॉन्ड लेंथ, ये सब डाल देगा। ऐसे क्वेश्चन बात, तुमको सारा चीज पता होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, शेप कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ कर लोगे, इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे, पता रहेगा तो तुमको टाइम भी नहीं लगेगा। चलो ठीक है, ये भी हो गया तीसरा फैक्टर। चौथा फैक्टर है जो बहुत कम बुक में तुमको मिलेगा, वो है लोन पेयर वाला, उस पर आए हुए एडवांस में। एक चीज और यहाँ जस्ट बता दें खुद को क्लियर करने के लिए, ये जो हम लिख रहे हैं ना बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, या मैथमेटिकली सही नहीं है, पता नहीं तुम लोग कुछ लोग समझ पा रहे हो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब सच में जानते हैं। यह सिर्फ ये बता रहा है कि बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, मैथ्स में सच में जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है कोई चीज बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है तो इनवर्सली उसको नहीं बोल सकते, सेम रेशियो में बढ़ना घटना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं होगा केमिस्ट्री। ये जस्ट लिखा इसलिए जाता है कि तुमको देखने में अच्छा लगे, मैथमेटिकल लगे, सच में ये मैथ्स वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन लगाना सही नहीं है यहाँ पे। अगर बॉन्ड एंगल डबल कर दोगे कोई जरूरी है कि बॉन्ड लेंथ हाफ ही होगा, घटेगा लेकिन घट के हाफ ही हो जाए कोई जरूरी नहीं है, तो जस्ट हम बोल दिए खुद को क्लियर, तुम अपने लेवल पे मान सकते हो, बट जस्ट बोल दिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो मैथ्स फिजिक्स में यूज करते हैं वो नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। चौथा फैक्टर है जिसपे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है वो है लोन पेयर रिपल्सन। लोन पेयर रिपल्सन, इसका एग्जांपल दो। पहले तो ये समझो
लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन से चीज क्या होता है, दूर भागता है, और दूर भागेगा तो आपस का डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर रिपल्सन, जहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैथ्स वाला नहीं है, सिंपल ये तुमको बोलने के लिए बोल दे रहे हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में ज्यादा अच्छे से रहे, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, उसी को पहले लिख लेते हैं। बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर रिपल्सन, एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे पास है ये सेम का सेम क्वेश्चन जैसे जेई एडवांस में आया हुआ है, एक N2H4 है हमारे पास मॉलिक्यूल, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास है, हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन कर दो जस्ट, यही मॉलिक्यूल रहेगा बट H की जगह F कर दो, N2H4 and N2F4 क्या करेगा देखो, गौर से बोलेगा यह जो NN बॉन्ड है ना, इसका बॉन्ड लेंथ मान लो X, नाम दे देगा वो कुछ नहीं है, इसका बॉन्ड लेंथ मान लो Y, बोलेगा बताओ X और Y में कौन बड़ा है कौन छोटा, मतलब यहाँ पे भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ही सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल ही बॉन्ड है, बट कहाँ पे बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होगा, कहाँ पे छोटा होगा या इक्वल होगा, ऑप्शन में दिया रहेगा X ग्रेटर देन Y, Y लेस देन X, या जो भी X इज इक्वल टू Y ऐसे करके लिखा रहेगा, दोनों बराबर होगा क्या बॉन्ड लेंथ, तो बहुत लोग सोचता है कि दोनों तो NN बॉन्ड ही है तो सेम ही होगा, सिंगल बॉन्ड ही हर जगह, यहाँ पे भी NN ही है, यहाँ पे भी NN ही है, सिंगल ही है तो सेम हो जाए, पर तुम लोग को क्या लगता है बोलो, कहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, ये A बड़ा होना चाहिए, A बड़ा होना चाहिए, बाकी लोग गेस करो, एंड तुम बोलना चाहते X इज ग्रेटर देन Y, Y ग्रेटर देन X होगा, सोचो क्लोरीन पे भी लोन पेयर है, डिफरेंस इसी चीज का है, हाइड्रोजन पे लोन पेयर नहीं है, फ्लोरीन का साथ होता है, और नाइट्रोजन पे तो एक लोन पेयर है ही, यहाँ पे नाइट्रोजन फ्लोरीन के जो बीच लोन पेयर है वो भी रिपल्सन करेगा, बहुत खतरनाक रिपल्सन होगा, तीन तीन लोन पेयर है, तो यह क्या करेगा, दूर भगाएगा, दूर भगाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो दूसरे केस में तुम्हारे पास ये जो आने वाला है ये ज्यादा होगा, लिख लो क्योंकि क्योंकि लिख लो, और लोन पेयर तुम जानते हो तुम दिखा नहीं रहे, ठीक है जानते हो, वो खुद से कर रहे हैं, N2F4 का जो NN बॉन्ड होगा वो लंबा होगा N2H4 के बॉन्ड लेंथ से, चलो ठीक है, तो ये भी तुम्हारा लगभग हम कवर कर लिए, ठीक है, और कुछ इसमें पॉइंट नोट करना है, हाँ कर लो कोई दिक्कत नहीं, टाइम दे रहा है कोई दिक्कत, सिमिलर लाइन पे और कोई एग्जांपल तुम खुद से सोच सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री में यही हो जाता है, रिस्क हो जाता है, खुद से कोई एग्जांपल लो, ठीक है, तो पता नहीं वहां पे क्या हो रहा होगा, बट अगर लेना चाहो तो ये ले लो, ऐसा कुछ हाइड्रोजन परऑक्साइड सब लोग जानते हो, सेम लाइन पे एग्जांपल, इसमें क्या करो HH को हटा दो और FF लगा दो, वो देखो इसमें क्या होगा, तुमसे पूछ लेगा O और O के बीच जो बॉन्ड है, इसको मान लो X, इसको मान लो Y, क्योंकि साइड में फ्लोरीन है, लोन पेयर लेके आएगा फ्लोरीन, तो रिपल्सन करके इस बॉन्ड लेंथ को बढ़ा देगा, लिख लो यहाँ पे ज्यादा लोन पेयर रिपल्सन होगा, फ्लोरीन आ गया, ये तो क्वेश्चन में लोन पेयर दिखाएगा नहीं क्या, मतलब फ्लोरीन के ऊपर वो क्यों दिखाएगा भाई, वो दिखाएगा कि जब तुमको बोला जा रहा है F2O2 तो सीधा ऐसे आएगा H2O2 F2O2, बोलेगा द बॉन्ड ऐसे बोलेगा ओ बॉन्ड इन H2O2 या हाइड्रोजन परऑक्साइड लाइन में लिख के आ जाता, फॉर्मूला भी नहीं दिखा रहेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड इज ग्रेटर देन ये जो भी F2O2, जब तुमको नाम हम बोल दे तुमको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन परऑक्साइड में लोन पेयर होगा, वो तो तुम्हारा काम है, तुम डिसाइड करोगे ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, चलो क्विकली एक और पॉइंट ध्यान में आ रहा है, सारी ऐसी लिखे में से बट एक और बोला जा सकता है, वो ये है, पर इसको करो
कंपटीशन का यही वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, वो डेफिनेशन तुझे थोड़ी ना पूछेगा. अब नेक्स्ट पेज पे पांचवा पॉइंट लिखो, इस पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड कर सकता है, वो है बॉन्ड ऑर्डर. और बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बता चुके पिछली क्लास में, तो अब यहाँ डेफिनेशन तो रिपीट नहीं करने वाले. मान लो तुम्हें दिया गया, ये सिंपल है, ये सीसी के बीच सिंगल बॉन्ड, सीसी के बीच डबल बॉन्ड, सीसी के बीच ट्रिपल बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा लंबा होगा, सिंगल या डबल या ट्रिपल? मैं सिंगल. सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा लंबा होगा. यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है? वन. बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितना बॉन्ड है बीच में. बॉन्ड ऑर्डर एक है यहाँ पे, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है. तो बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घटता है. लिख लो, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी यूज होता है, ये मुझे बता. बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर जो जो बढ़ेगा त्यों त्यों बॉन्ड लेंथ घटेगा. यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा, सीसी बॉन्ड एंगल जो होगा, चूंकि बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, ये सबसे लंबा होगा. मतलब कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाता होगा तो ज्यादा डिस्टेंस पर आता होगा, जो डबल बनाता होगा करीब आ जाता होगा, ट्रिपल बनाता होगा और करीब आ जाता होगा. बॉन्ड लेंथ कम होता है जो जो नया नया बॉन्ड तुम फॉर्म करो. सबसे लंबा बॉन्ड सिंगल होगा और सबसे छोटा बॉन्ड ट्रिपल होगा. और बॉन्ड लेंथ का बात करें तो ये जो भी ऑर्डर हम लिख रहे हैं, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये हम बोल नहीं रहे, बट पता होना चाहिए तुम लोगों को बॉन्ड लेंथ का ही बात कर. बॉन्ड लेंथ का ही ऑर्डर. ठीक है, चलो. तो इसके साथ ही तुम्हारा बॉन्ड लेंथ का हो जाता है कहानी खत्म, लगभग खत्म हो जाता है. इन जनरल इसी सबसे क्वेश्चन आता है घुमा फिरा करके. ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी में डिपेंड होता है. बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड एनर्जी हुआ. बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड एनर्जी. आ रहा है अगला, उसी को कंसीडर कर रहे हैं. पहले बॉन्ड लेंथ कर लो, फिर बॉन्ड एनर्जी का आता है. दोनों पे क्वेश्चन आता है, उसके भी आ रहा है अगला अपना. ये फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी पहले नोट करो, क्विकली कर लिए तो बहुत आगे मूव कर जाओ. सिमिलरली कोई और भी तुम ले सकते हो, जिनके भी सिंगल बॉन्ड, एनएन के भी सिंगल बॉन्ड, एनएन के भी डबल बॉन्ड से पूछ लिया यहां जैसे ऐसा कुछ. तो बोल सकते हो कि क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है तो ये लंबा ज्यादा होगा. चलो ठीक है, आ गया. ट्रिपल बॉन्ड मान लो एनएन के बीच, एन टू में होता है ये तो मॉलिक्यूल ये जानते हो तुम लोग. चलो ठीक, आगे मूव करते हैं. वही ऑक्सीजन ऑक्सीजन के भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मत सकते हो तुम. चलो नेक्स्ट पेज. अब लिखो बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ का हो गया, पांच पॉइंट जिस पर डिपेंड करता है. बॉन्ड एनर्जी भी आता है क्वेश्चन के अंदर, इसको तुम बॉन्ड एंथैल्पी बोल रहे हो. अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड एनर्जी मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा ज्यादा एनर्जी लगेगा. तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है, कौन सा बॉन्ड है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका, वो ये बोलना चाहिए. क्वेश्चन का लैंग्वेज घुमा देता है. ठीक है, तो सबसे पहला इसमें लिखो बॉन्ड ऑर्डर ही. सबसे पहला पॉइंट बॉन्ड ऑर्डर. वही एग्जांपल जस्ट अभी लिए थे हम लोग, सीसी सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी. ये क्या बोलता है ध्यान देना, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर यहां पे कितना है, वन, यहां पे टू, यहां पे तीन बॉन्ड बना तो बॉन्ड ऑर्डर थ्री. बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है कुछ नहीं. ये क्या बोलता है, बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा. मतलब ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने में तुम्हें ज्यादा एनर्जी लगेगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में उससे कम एनर्जी लगेगा. सबसे कम आसानी से तोड़ दोगे तुम सिंगल बॉन्ड से, तो
बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा ऐसा कुछ। ये अब ऑर्डर किसका लिखना है, बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड लेंथ से कंफ्यूज मत होना, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कर लिए पहले, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर उल्टा था इसका, जस्ट उल्टा, ठीक है। सिंपल ऐसे भी सोच सकते हो, देखो सिंगल से डबल हुआ ज्यादा करीब है, ट्रिपल हुआ और करीब है, जितना करीब होगा उतना स्ट्रॉन्गर दोनों के बीच क्या होगा, बॉन्ड होगा, उतना स्ट्रॉन्ग होगा तो उतना ज्यादा तुमको एनर्जी लगेगा उसको ब्रेक करने में। तो बॉन्ड ऑर्डर यानी बॉन्ड एनर्जी इज, बोलना चाहे तो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। और तीनों कंबाइन कर दे तो, कंबाइन कर दे तो एक साथ लिखना चाहो तो, वो खुद से करना जाए घर पे अपना, बॉन्ड लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल था इसके पहले बताया, ठीक है। अभी हम लोग इसमें इंटरेस्टेड है बॉन्ड एनर्जी। दूसरा पॉइंट है इसमें बॉन्ड लेंथ, हालांकि कर ही लिए हम लोग, कुछ है नहीं लिख ही दिया, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगा खुद से सोचो, देखो थोड़ा तुमको कॉमन फील भी डेवलप करना है, ठीक है, ऑन द स्पॉट तुम्हारा मालूम जैसा तुम याद तो नहीं डायरेक्ट इनवर्सली, सोचो भी कौन द स्पॉट भी, तो बॉन्ड लेंथ मालूम बढ़ा है तुमको, बॉन्ड लेंथ पता चला ये बॉन्ड ज्यादा लंबा है, तो ज्यादा लंबा है ज्यादा डिस्टेंस पे, ज्यादा डिस्टेंस पे तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड नहीं है, तुम आसानी से तोड़ दो, मतलब बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड क्या होगा, वीक होते जाएगा, यानी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा, यानी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा, ये तुमको फील भी डेवलप करना, नहीं कि हम बोल रहे हैं और तुम रट्टा मारो फिर भूल जाओ। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, हालांकि ऊपर लिखी दी है बट जस्ट नोट्स में ऑर्डर के लिए। एग्जांपल देखो बॉन्ड लेंथ का, सिंपल देखो, जैसे ये देखो हम लोग ऊपर एच एफ बी के उससे भी इलस्ट्रेट कर सकते थे, सी एफ मान लो, और ये बॉन्ड है सी सी एफ, किसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, सी एफ में या सी सी एल में, तो फर्स्ट पॉइंट बताए थे आज ही उसे यूज करो, सी एल का साइज ज्यादा है तो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, यानी बॉन्ड लेंथ का बात करोगे तो इसका ज्यादा होगा, मतलब ये जो देख रहे हो अभी हम लिखे हैं बॉन्ड लेंथ, बट अगर बॉन्ड एनर्जी का बात करो तो चूंकि इसका बॉन्ड छोटा होगा सी एफ का तो इसका एनर्जी ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा यानी तुम ज्यादा एनर्जी लगाओगे तब ब्रेक होगा सी एफ, यानी सी और एफ के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा एज कम्पेयर टू सी सी एल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ है इसीलिए बॉन्ड एनर्जी इसका ज्यादा होगा। ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर जिसमें हम लोग अभी इंटरेस्टेड है। दूसरा पॉइंट हो गया, क्विकली करते चलो, सब एक दूसरे मैच ही कर रहा है, मतलब ऐसा मत समझो कि इंडिपेंडेंट है, बॉन्ड लेंथ वाला पॉइंट से भी इससे सिमिलर ही है बट अलग अलग कर रहे हैं, नोट्स में लिखा रहा है इसलिए लिखो, क्योंकि लिखना तो बोल रहा है, इसमें दो और पॉइंट है, ठीक है, तो क्विकली खत्म करें, पॉइंट वही सब है मतलब और कुछ नहीं, पॉइंट वही सब है। मैं यार हाँ बोलो, बॉन्ड ये बॉन्ड लेंथ इनवर्स प्रोपोर्शनल है, हाँ तो जिस इस फैक्टर बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सही, तो देखो ना तुम गौर से ऑब्जर्व कर दो, वही चीज को हम रिपीट कर रहे हैं भाई, हां भैया वही चीज होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर डिसाइड कर ले रहे हो, उसका उल्टा ऑर्डर बोल दो बॉन्ड एनर्जी का, खत्म, बोलोगे तो हम स्किप कर सकते हैं, लिखो थर्ड पॉइंट, जस्ट लिख लो थर्ड पॉइंट, एटॉमिक साइज लिख लो, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, थर्ड पॉइंट पे लिख लो, वहां पे डायरेक्टली था, यहां पे इनवर्सली होगा, और फोर्थ पॉइंट पे लिख लो, लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन अगर बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, लिख लो कटेगा, थर्ड पॉइंट लिख लो, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, हम चाह रहे थे तुम लोग की बात बोलो तो बोल नहीं रहे थे, तुम लोग तब तक चल रहे थे, देखते कब तुम लोग बोल रहे, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, और फोर्थ पॉइंट लिख लो, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर रिपल्शन, तो तुम्हें बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन आता है पहले बॉन्ड लेंथ के बारे में सोच लो, जो आंसर आता है उसका उल्टा ऑप्शन लगा के आ जाओ, बॉन्ड एनर्जी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाता है कंप्लीट डिस्कशन, ठीक है, कंप्लीट डिस्कशन, एक जस्ट इसमें होमवर्क ले लो घर पे ट्राई करना, नो करना क्या है, नेक्स्ट पेज में लिख ही देते हैं,
अगर नहीं लिखे हो थर्ड पॉइंट तो लिख लो, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, वहां पे डायरेक्टली था। फोर्थ पॉइंट वहां पे था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्सन बॉन्ड लेंथ, यहां पे उल्टा हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्स क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर रिपल्सन। जस्ट यहां पर लिख लो, चार अमाउंट ले रहे हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है कभी ना कभी जेई में। एच एच ओ एन एन और एफ एफ, इन चारों में, चारों को बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर में सजाना है। सबसे छोटा लिख लो, चार लिख लो, लिख लो क्वेश्चन लिख लो। अरेंज दीज मॉलिक्यूल्स, अरेंज दीज बॉन्ड्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अरेंज दीज मॉलिक्यूल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एनर्जी। घर पे करना, आंसर निकालना, तो फिर हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक्चुअली दो पॉइंट के साथ यूज होगा, बॉन्ड ऑर्डर को भी तुम्हें कंसीडर करना होगा, ठीक है, साइज वगैरह भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है, थोड़ा सा ही सेंस में। चलो ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क रहा, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर में सजाना है, और हम लोग आज पॉइंट डिस्कस किए हैं उसको यूज करना। तो इसके साथ ही तुम्हारा ये वाला पार्ट भी हो जाता है खत्म, ठीक है, खत्म हो जाता है। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट है वो है तुम्हारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अगेन सेम करने वाले हैं, आज हम उसको कवर नहीं करेंगे, आज जस्ट इंट्रोडक्शन दे देंगे और कल कोशिश करेंगे उसको खत्म करने का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा पेपर नहीं मिलेगा तुमको, जेई मेन का, एडवांस का और नीट का, जिसमें एक क्वेश्चन ना मिले, मिल ही जाता है। और वो क्वेश्चन ऐसा होता है, पर ही बोले थे कि हो ही जाएगा, तुम पढ़ लोगे वही चीज आएगा, ऐसा आता है, नया कुछ हो ही नहीं सकता पेपर में, ऐसा होता है। और खासियत ये है ना उस टॉपिक का कि वो पहले से रिलेटेड भी नहीं, तो मिक्स करने का भी स्कोप बहुत ज्यादा होता नहीं उन लोगों के पास। ये भी एक रीजन है कि एमओटी का क्वेश्चन रिलेटिवली इजी होता है, और चूंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए वो लोग पूछता है। एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, पहले समझ लो, एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा कम से कम वो अगर तुम पढ़ लेते। चलो ठीक है, तो इसको हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दें और जस्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं तुम लोगों को मोटिव।